मेरा नाम शाकिर है, मैं कुल बिजनेस से बिलोंग करता हूँ और शॉ यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ। आज जो हमारा जो वर्कशॉप हुआ है उसमें मेन जो पॉइंट ये है कि आज फाटा इकट्ठी हो गई है, पहले इससे पहले नहीं हुई थी। और जो किसी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हैं तो उसके तीन मेन फैक्टर होते हैं, एक यूनिटी होती है, एक कुर्बानी होती है कि आपने कुर्बानी किसी को दी, आज हम स्टूडेंट ने ये किया, और दूसरे कि हमें जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई, ना हम वज़ीरिस्तान के हैं, ना हम कौरम एजेंसी के हैं, ना हम मुरगज़े के, जस्ट हम कबायल हैं। फिर उसके बाद हम हैं पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी आज हमने ये सोच लिया है कि हम फाटा को इम्प्रूव करेंगे, और इसके जो हमारी थिंकिंग फाटा के रिश्ता हमारे पाकिस्तान के लिए भी थिंकिंग है। और दूसरी बात, अगर हमें ये फैसिलिटीज़ अगर हमारी एजेंसी में हमें मिल गई, जिसका दूसरा मेन फ़ायदा ये है कि हमारी जो सेटल एरियाज है उस पर लोड कम हो जाएगा, उसमें हॉस्पिटल्स पर लोड कम हो जाएगा, उस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस पर लोड कम हो जाएगा। इसलिए तो हम इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं और हम इस पर हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि आप जो हमारे आज वर्कशॉप में जो वो हो गए मुतालिक इशूज आ गए हैं उस पर एक्शन लिया जाए। इसके फ़ायदे जो मैंने भी कहे, लोड कम हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स अपने इलाकों में होंगे, एरियाज में नहीं आएंगे, सिटी एरिया अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होंगे। और तीसरा फायदा ये कि जो हॉस्पिटल्स हेल्थ अगर फैसिलिटीज़ फाटा में आ गई तो फिर वही फैसिलिटीज़ जो अगर वहाँ अवेलेबल होगी तो यहाँ लोग नहीं आएंगे, ये मेन फ़ायदे थे। और अवेयरनेस अगर फाटा में अगर जो आज जो सेशन इस तरह सेशन अगर फाटा के इलाकों में हो जाए, अवेयरनेस आ जाए, तो अवेयरनेस आ गई तो मतलब ये है कि उसमें जो टेररिज्म का फैक्टर वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस से एजुकेशन आएगी, एजुकेशन आ गई तो मतलब जो बंदा एजुकेटेड हो जाता है तो कोई गलत एक्टिविटी अनफेयर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो जाता। और ये बातें थी। और जो चौथी बात यह है कि जो फैसिलिटी हमारे फाटा को मिलती है लेकिन मिल नहीं जाती है, मिलती है लेकिन मिल नहीं जाती, और हम इस प्लेटफॉर्म से ये जो फैसिलिटी हमें मिलती है लेकिन मिल नहीं जाती, हम उसकी डिमांड के लिए हम ये आज इकट्ठे हो गए हैं, और इसमें हम एस का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इकट्ठे किया है आज इस प्लेटफॉर्म पर, और इस सेशन ने हमें हमारी माइंड को ओपन कर लिया है, जो हमारे जहन में जो एम्स थे गोल्स थे उन्होंने ओपन कर दिया, इन्होंने एक मोटिवेट के मोटिवेशन पैदा किए हैं, और इसमें हम एस के बहुत थैंकफुल है, और इंशाल्लाह हम उनके साथ नेक्स्ट टाइम भी कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है।